फ्रेंड्स, आज है 22 अक्टूबर 2024। मार्केट में आज भी एक ह्यूज डाउनफॉल चल रहा है। चलो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो चार शेयर है, टाटा मोटर्स, IRFC और इरेडा और NHPC में बहुत ज़्यादा खरीदारी चल रहा है। चलो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ग्रो में जाते हो ना, तो ग्रो में सबसे ज़्यादा खरीदारी हो रही है NHPC का। देखो यहाँ पर वोडाफोन, आइडिया, जोमेटो। मगर कोई भी शेयर को परचेस करने से पहले आपका उसका स्ट्रांग लेवल जानना होगा। बिना स्ट्रांग लेवल जान के आप परचेस मत करो कोई भी शेयर को, आप बहुत लॉस कर सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। टाटा मोटर जो है, इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पर शेयर गिर रहा है, मगर ये शेयर और भी गिरेगा। इस टाइम जो है कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। इस टाइम आप इस शेयर को परचेस मत करो, आप बहुत लॉस कर सकते हो। देखो यहाँ पर इसका स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है 854। इसका स्ट्रांग एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया में ये शेयर एक बार आएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास IRFC इस शेयर को परचेस करते हो, तो इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है 134। इस लेवल तक ये शेयर आएगा, उसके बाद आप परचेस कर सकते हो। या इस लेवल से 1-2 पॉइंट अपर उसको परचेस कर सकते हो, आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जो टाटा मोटर्स है पूरी तरह से 855, 856 इसी लेवल से आप इसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है 854। इस लेवल तक आने दो, उसके बाद आप शेयर को परचेस कर लो। देखो यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इरेडा शेयर का जो स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है 198, इसी लेवल तक आने दो भाई, 199, 200 इसी लेवल तक इसको परचेस कर लो। इस टाइम इस शेयर को परचेस मत करो, क्योंकि अभी कोई भी लेवल पे नहीं है ये शेयर। आप देख सकते हो यहाँ पर टाटा मोटर जो है, ये भी कोई लेवल पे नहीं है। अभी लेवल पे आने दो, उसके बाद ही आप परचेस कर लो। बिना स्ट्रांग लेवल देख के उसको परचेस मत करो। देखो यहाँ पर NHPC जो है ना, इसका एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ 80। जिस लेवल से यहाँ पर शेयर एक अपर मूवमेंट आपको दिखाया, फिर से इस लेवल पर शेयर आ गया। ये जो लेवल है स्ट्रांग लेवल है, मगर उतना स्ट्रांग नहीं। इसका एक स्ट्रांग लेवल है 73। इसी लेवल पे ये शेयर आ सकता है एक बार। ये 73 इसका स्ट्रांग लेवल क्यों है, चलो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं NHPC का 1 मंथ टाइम फ्रेम चार्ट पे आ जाता हूँ, देखो यहाँ पर 1 मंथ कैंडलस्टिक में मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी लेवल से एक बार रिजेक्शन आया था शेयर पे, आप देख सकते हो यहाँ पर 73। ये जो लेवल है, इसी लेवल पे 1 मंथ कैंडलस्टिक में एक बार रिजेक्शन आया। और इसका जो एक ट्रेंड लाइन है, स्ट्रांग ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ पर कितना बार ट्रेंड लाइन पे शेयर आया था, 1, 2 और 3 टाइम्स इस ट्रेंड लाइन पे आया था। इस ट्रेंड लाइन को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया आज का ट्रेडिंग सेशन में। तो ये जो शेयर है ना, ये पूरी तरह से 73 इसी लेवल पे आ सकता है। 80 इसका जो सपोर्ट लेवल है, ये भी स्ट्रांग है, मगर उतना स्ट्रांग नहीं। यहाँ पर 73 इसका जो सपोर्ट लेवल है, ये बहुत ही स्ट्रांग है। इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं होगा। शेयर 73 तक आ सकता है NHPC में। मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ टाटा मोटर्स में। देखो यहाँ पर इस टाइम आप टाटा मोटर्स को खरीदारी मत करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लेवल पे नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर ये 854 इस लेवल पे आ जाता है, या इस लेवल से 1-2 पॉइंट ऊपर रहता है, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। इरेडा का एक स्ट्रांग लेवल है 198, इसी लेवल पे इस शेयर को आने दो, उसके बाद आप इस पर परचेस कर सकते हो। और IRFC का मैं यहाँ पर दिखाया 134, इसका स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। और NHPC का 73, इसका स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। इस लेवल तक ये शेयर पूरी तरह से आ जाएगा, उसके बाद आप खरीदारी करो। एक लेवल देख के, स्ट्रांग लेवल देख के आप खरीदारी करो, आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर इस टाइम आप खरीदारी करते हो ना, तो हो सकता है कि शेयर गिर गया पूरी तरह से, और ये भी हो सकता है कि शेयर यहाँ से अपर चला गया, मगर बहुत ही कम होता है। शेयर पहले उसका स्ट्रांग लेवल पे आता है, उसके बाद ही वो ह्यूज अपर मूवमेंट दिखाता है। तो आप वेट कर लो, उसका लेवल पहले जान लो, उसके बाद ही आप किसी भी शेयर पे खरीदारी कर सकते हो, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। ये तो इवनिंग में इस चारों शेयर लेके और डिटेल्स वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो देख लेना। सो चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टूटे, टेक केयर, गुड बाय, टाटा, थैंक यू।